ज्यादा समय तक शहर को ट्रैफिक व्यवस्था में निस्वार्थ सेवा देने वाली महिला ट्रैफिक वार्डन स्वर्गीय निर्मला पाठक का जन्मदिन ट्रैफिक वार्डन दिवस के रूप में मनाया गया। बता दें कि निर्मला पाठक का जन्म 12 अगस्त 1923 को हुआ था। तेज धूप हो, बारिश हो या ठंड, ये चौराहे पर ट्रैफिक संभालते हुए नजर आ ही जाती थी। शायद ही शहर का कोई ऐसा शख्स होगा जिसने निर्मला पाठक को ट्रैफिक संभालते देखकर तारीफ ना की हो। आपको बता दें कि निर्मला पाठक का 97 वर्ष की आयु में 22 फरवरी 2020 को निधन हो गया था। वहीं यातायात पुलिस द्वारा इस जागरूकता कार्यक्रम में स्वच्छता कट वहीं यातायात पुलिस द्वारा इस जागरूकता कार्यक्रम में स्वेच्छा से ट्रैफिक वार्डन का कार्य करने हेतु जागरूक नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। इंदौर से धर्मेंद्र सोनी की रिपोर्ट। एक संदेश पूरे देना चाहते हैं कि निर्मल पाठक इस इंदौर शहर के लिए ट्रैफिक व्यवस्था के लिए एक शानदार काम किया था और हमेशा स्कूल के बाहर जहाँ भी ट्रैफिक अव्यवस्था होती या जहाँ वी आई पी आगमन हो जुलूस है इंतजाम है वह हमेशा आगे रहती थी और ट्रैफिक व्यवस्था में ट्रैफिक पुलिस का हमेशा सहयोग रहता था। विशेषकर हमारे ये समाज के जो स्कूल है ये शास्त्री विद हमेशा यहाँ रहते आपको हमेशा दिखती थी यहाँ पे और हमेशा याद रखा गया रखा जाएगा। मैं यहाँ ट्रैफिक किया था तब से मैं इनको जानता हूँ। इसके पहले से ये काम कर रही थी, शायद पहले इंदौर से बम्बई चली गई थी। बम्बई में काफ़ी लंबे समय तक वहाँ काम किया, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा विभिन्न प्रस्थान के द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया। उस समय वहाँ काम करने के बाद वहाँ इनके फोटो देखने से जानकारी प्राप्त हुई कि ये प्राइम मिनिस्टर को पूर्व के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ फोटो है, कई उद्योगपति के साथ फोटो है। इससे निश्चित ही कहा जा सकता है एक बहुत ही सम्मानित और गौरवशाली इनका इतिहास रहा है ट्रैफिक व्यवस्था के लिए। बम्बई पुलिस के बाद भी इनके बहुत से फोटो हैं, हमने कल अवलोकन भी किया था। उसमें कई पुलिस कमिश्नर के साथ में डिप्टी कमिश्नर के साथ में इनका फोटो है, तो निश्चित ही उन्होंने बम्बई में भी बहुत शानदार काम किया है और किया होगा। और इंदौर में शायद मेरे ख्याल से 92 या 93 में यहाँ पे इंदौर में वापस आ गई थी, तब से यहाँ इंदौर में ट्रैफिक व्यवस्था संभाली हुई थी। और मैं TI था तब भी ये 5 साल मेरे साथ रही और विशेषकर मेरे प्रति बहुत स्नेह रखती थी। ये अधिकारी जो है हमेशा हमको मिलते हैं और हमसे सम्मान करते हैं, तो मैं तो विशेषकर से इनको सम्मानित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हमेशा हर साल हम इसको एक निर्मल पाठक वार्डन डे के रूप में मनाएंगे और अगले साल अगर सफल रहा तो इसको लार्ज स्केल पे हम जो है इसको मनाने का प्रयास करेंगे और हर ट्रैफिक सप्ताह में भी इनको याद किया जाएगा निर्मल पाठक जी को। यह भी एक ट्रैफिक में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जब सप्ताह बनेगा तब भी हम इनको याद किया।